सुनो, ये वादा है मेरा कि जितने भी वादे किए हैं वो सभी निभाऊंगी। हैप्पी प्रॉमिस डे। ले आज फड़ ले आ मैं तेरा हाथ नी हुड़क देनी। आई प्रॉमिस मैं पूरा करूंगा तेरा हर एक सपना। म्यूजिक। सुनो, ये वादा है मेरा कि जितने भी वादे किए हैं मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हैप्पी प्रॉमिस डे। ले आज फड़ ले आ मैं हुण कदेनी छड़ना। आई प्रॉमिस मैं पूरा करूंगा तेरा हर एक सपना। सो ओके, तो दोस्तों आप सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों फिर से तुम्हारा भाई लेकर के आ चुका है प्रॉमिस डे का डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग, जो कि दोस्तों बहुत ही कमाल और बहुत ही धमाल का होने वाला है आज का प्रॉमिस डे डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग। तो दोस्तों आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का प्रॉमिस डे डीजे स्टेटस वीडियो कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों आप सब लोग कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अपने जो भी प्रीव्यू में स्टेटस को देखा है, तो दोस्तों ऐसे स्टेटस को क्रिएट करना बहुत ही ईजी एंड आसान होता है। तो दोस्तों ऐसे स्टेटस को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ने वाली, जिसका नाम है लाइट मोशन। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर प्लस के बगल में प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर एक सॉन्ग बीट मार और दूसरा सेक इफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगी, जो कि दोस्तों मैंने क्रिएट करके दे दिया। तो दोस्तों आपको यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस तरीके से फर्स्ट में आना। फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर एक जो टेक्स्ट लिरिक्स वीडियो क्लिप है, तो दोस्तों आपको उसको ऐड करना, जो कि दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फिर हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वहां से डाउनलोड करके सबसे पहले उसको ऐड करना है। तो दोस्तों ऐड करने के लिए इस तरीके से आपको फर्स्ट में आना, प्लस के आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पर जाना। मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों आपको इस बॉक्स के नीचे क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जिस भी फोल्डर में हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके रखे होंगे टेक्स्ट लिरिक्स का वीडियो क्लिप, तो दोस्तों आपको उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद दोस्तों ये रहा टेक्स्ट लिरिक्स वीडियो क्लिप, तो दोस्तों आपको इसको सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपको इस टेक्स्ट लिरिक्स पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों ये फिल स्क्रीन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करके इसको इस तरीके से इसके नीचे की ओर रख देना है। इस तरीके से रखने के बाद दोस्तों आपका जो टेक्स्ट लिरिक्स है ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होगा, यहाँ से आपको डायरेक्टली एक बार बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों सेक इफेक्ट पर क्लिक करना है। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों को यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट ऑल लेयर पर क्लिक करके फिर इस वाले आइकन पर क्लिक करके कॉपी दस लेयर पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका सारा लेयर कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेस्ट दस लेयर पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका सारा लेयर ऐड हो जाएगा अपने अपने बीट के हिसाब से। जैसे दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा सभी लेयर अपने अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी इमेज के लेयर दिखाई दे रहे हैं हरे कलर के, तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों इन पर फोटो को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको इस तरीके से फर्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफुल पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक कर दोगे, तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना, जिस भी फोल्डर में फोटो को रखेंगे तो दोस्तों आपको उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद दोस्तों को कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी इफेक्ट के साथ। इसी तरीके से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफुल पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके नेक्स्ट फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफुल पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफुल पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफुल पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफुल पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफुल पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको लास्ट लेयर पर क्लिक करना, कलरफुल पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी सारी लेयर पर फोटो ऐड हो जाएगी इफेक्ट के साथ। इस तरीके से ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो डीजे स्टेटस वीडियो बनके रेडी हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही दो स्टेप बाकी है, जो कि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, जैसे कि दोस्तों अगर आपको
यहाँ पर HDR कलर लगाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर दो लेयर दिखाई दे रहे होंगे जो कि दोस्तों इनका जो इफेक्ट है बंद है। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों आइकन पर चालू कर देना है तो दोस्तों आपके सारे वीडियो में HDR कलर ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट को ऐड करना है। तो दोस्तों टेम्पलेट को ऐड करने के लिए आपको इस तरीके से फर्स्ट बीट पर आ जाना है 0.5 पे। 0.5 पे आने के बाद दोस्तों आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, फिर से जिस भी फोल्डर में आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके टेम्पलेट को रखेंगे तो दोस्तों आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये रहा 29 सेकंड का टेम्पलेट, तो दोस्तों आपको इसको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपको इस टेम्पलेट पर क्लिक करना है, इसके वॉल्यूम पर क्लिक करके इसके वॉल्यूम को ऑफ कर देना है, थ्रीडो पर जाना है, फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसके बाद फिर से इस टेम्पलेट पर क्लिक करना है, मूवमेंट ट्रांसफर पर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों इस वाले आइकन पर क्लिक करके इसको जूम आउट कर देना है। इस तरीके से जूम आउट कर देने के बाद दोस्तों आपका जो टेम्पलेट है तो ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से लास्ट में आना है, लास्ट में आने के बाद दोस्तों आपको बचे हुए भाग को कट देना है। बचे हुए भाग को कट कर देने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से फिर से टेम्पलेट पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है। इफेक्ट पर जाने के बाद दोस्तों को ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, हिट शिफ्ट को सेलेक्ट कर लेना है, एक की लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों को लास्ट में आ जाना है, लास्ट में आने के बाद दोस्तों को इसको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके बढ़ा देना है। आप जितना भी बढ़ा दोगे तो दोस्तों आपका जो टेम्पलेट का कलर है ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, तो दोस्तों आप इस तरीके से बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों को क्या करना होगा, इस टेम्पलेट पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग्स पे आना, लाइटिंग पर क्लिक करके स्क्रीन पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों आपका टेम्पलेट ऐड हो जाएगा पूरे वीडियो में आसान तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपका जो डीजे स्टेटस वीडियो बन के रेडी हो जाएगा इजीली। इसके बाद दोस्तों को इस डीजे स्टेटस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये प्रॉमिस डे डीजे स्टेटस वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इसी तरीके से न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक पर डीजे स्टेटस वीडियो को देखने को मिलती ही रहती है। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों आपको कोई भी डीजे सॉन्ग का डीजे स्टेटस बनवाना है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों तुम्हारा भाई नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से एक न्यू धमाकेदार वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।